हेलो गाइस, तो देखो हमने पिछली वीडियोस में हम एंट्रोपी के अभी तक दो पार्ट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी एंट्रोपी होती है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, या मैं ये कहूँ कि उसका रियल लाइफ में उसका एंट्रोपी का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि एंट्रोपी का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, राइट। और एंट्रोपी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हमने कुछ बात करी थी फर्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, वो हमारा बेसिक था एंट्रोपी का। सेकंड वीडियो उसके अंदर फिर हम बात आए कि एंट्रोपी की जो डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल चेंजेस होते हैं, मींस डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर हमारे कितने कैसे कैसे हमारे जो एंट्रोपी का चेंज होता है वो हमने डिस्कस किया था। और जब हमारा फेज ट्रांजिशन होता है, जैसे कि आइस से हम स्ट्रीम के अंदर जा रहे हैं, या स्ट्रीम के से हम वाटर के अंदर आ रहे हैं, या वाटर से हम आइस की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा टोटल चेंज इन एंट्रोपी हमारा कितना आता है, किस तरह से हम उसे निकालते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो के अंदर, यानी ये जो पार्ट थ्री है, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा एंट्रोपी का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थर्म एंट्रोपी, एंड लास्ट में हम एक छोटी सी बात खत्म बात करके फिर हम इस एंट्रोपी वाले चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। और ये मेरा लास्ट वीडियो होगा एंट्रोपी के ऊपर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखो, हमने फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये कह सकता हूं कि डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू डी क्यू, मैं ये लिख सकता हूं। और मुझे पता है डी क्यू मेरा कितना होता है, इट पी इंटू डी एस, राइट। तो अब देखो डी क्यू, मैं डी यू को क्या लिख सकता हूँ, फॉर वन, अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस लू और मेरी आइडियल गैस क्या कहते हैं, पी वी इक्वल टू आर टी, बिकॉज एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस एन इज इक्वल्स टू वन, तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस डी यू विल बी सी वी डी टी प्लस पी डी वी। अब मैं क्या करता हूँ, पी की वैल्यू रख देता हूँ और डी क्यू की वैल्यू देता हूँ। डी क्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज टी इंटू डी एस विल बी इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी की क्या लिखता हूँ, आर टी अपॉन वी इंटू डी वी, राइट। अब मैं टी को क्या करता हूँ, दूसरी साइड ले जाता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, हमारा डी एस कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर अपॉन वी डी वी, ये मेरा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट फ्रॉम एस वन मान लेते हैं हमारी इनिशियल एंट्रोपी थी, एस टू मान लेते हैं हमारी क्या थी, फाइनल एंट्रोपी थी, राइट। तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा सी वी, अब टेम्परेचर मान लेते टी वन से टी टू हमारा चेंज हो रहा है, प्लस आर, और वॉल्यूम जो हो रहा है हमारा वी वी वन से कहां तक चेंज हो रहा है, वी टू में चेंज हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ चुका, यहाँ पे क्या आएगा डी टी अपॉन टी, ठीक है। यहां तक जिस चीज को समझ में आ चुका आप ये नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट पेज की ओर। देखो तो हमारा लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, दैट इज एस टू माइनस एस वन, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ डेल्टा एस, और वो कितना आ जाएगा सी वी एल एन, कितना आएगा दैट इज पी टू बाई पी वन प्लस सी पी एल एन वी टू बाई वी वन, ये मेरा आ जाएगा एक फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला है ये मुझे बताता है कि जब भी मेरी कोई थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रही है, वो मानता है कि वो इनिशियल स्टेट में मेरा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की सिस्टम P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम पर है, और बाद में जब वो सिस्टम हमने कोई भी प्रोसेस करी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस करी, और जो लास्ट में जो हमारा सिस्टम आया, मीन्स फाइनल स्टेट जो आई सिस्टम की, वो मान लेते हैं हमारे P2 और V2 आई। अब उसने हमें मान लिया, एग्जामिनर में हमें पूछ लिया कि बताओ कि इन दोनों चेंजेस में हमारे कितनी चेंज आई एंट्रोपी, इन दोनों स्टेट के अंदर हमारे एंट्रोपी का कितना चेंज आया। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हमें प्रेशर दे दिया जाए और वॉल्यूम का हमें बता दिया जाए कि हमें प्रेशर और वॉल्यूम हमारे दोनों स्टेट में क्या क्या है, तो हम यहाँ से हमारे चेंज इन एंट्रोपी बता पाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर हमें क्वेश्चन दे देता है तो हम हमारा माइंड जो है उस टाइम स्टक हो जाता है कि मैं कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं आज तक जो ये बता पाए कि हमारे चेंज इन एंट्रोपी इस केस में कितनी आ पाएगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये फॉर्मूला, फिर टाइम बहुत बीत जाता है, और जो हमें क्वेश्चन करने में टाइम दिया जाता है ना, एक क्वेश्चन करने में अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इन फॉर्मूलाज को याद रखेंगे तो ही हम डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम स्ट्रक जाएंगे क्वेश्चन पे, हमारा ज्यादा टाइम लगेगा।
ठीक है, हम ये सोचेंगे हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा, कौन सा इसमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वो क्या होता है, देखो उसमें देखो, अब मैंने अभी क्या निकाला, अभी मैंने आपको बताया कि टी इंटू डीएस वो क्या होता है, वो होता है हमारा सी बी डी टी प्लस एक छोटा सा चेंज है यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पे सी भी जो लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर आर आएगा। देखो यहाँ पर हमारा आर था ना, तो यहाँ पर भी हमारा आर आएगा। तो अब देखो हमारा क्या था, सी भी डी टी प्लस आर क्या होता है, आर टी अपॉन वी डी भी होता है। अब मैं टी को यहाँ ले जाता हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज डी एस विल बी इक्वल टू सी भी डी टी अपॉन टी प्लस आर अपॉन वी डी वी। ठीक है, अब हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन वी गेट पी वी इक्वल्स टू आर टी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेट अस डिफरेंशिएट दिस, तो पी डी वी प्लस वी डी पी आ जाएगा, कितना आएगा ये इक्वल आर डी टी के इक्वल आ जाएगा। अगर ये आर डी टी के इक्वल आ जाएगा तो मैं यहाँ से डी टी की वैल्यू निकालता हूँ, वी कैन फाइंड द वैल्यू डी टी देयर, तो वो कितने आ जाएगा, वी डी पी प्लस सॉरी दिस विल बी पी डी वी प्लस वी डी पी, पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन में कितना आ जाएगा आर आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू डी टी हेयर, तो मैं यहाँ पे मेरी चेंज इन एंट्रोपी मीन्स डीएस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा दैट इज पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी अपॉन आर, और माना जो टी भी था तो यहाँ पे इसको आर टी लिख सकता हूँ, प्लस आर को मैं आर ही रहने देता हूँ, डी वी बाई वी को मैं ऐसे की ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं किया है, ध्यान रखना। ओके, नाउ आर टी की मेरी वैल्यू कितनी आती है, आर टी हमारा किसके इक्वल होता है, पी वी के, तो पुट द वैल्यू ऑफ पी वी हियर। ठीक है, तो हमारा डीएस कितना आ जाएगा, सी वी, इन दोनों को अलग अलग कर लो और उसकी वैल्यू वैल्यू करो तो पी वी रख दो, आर टी की वैल्यू को पी वी रख दो, तो हमारा कितना बच जाएगा, डी वी अपॉन वी प्लस डी पी अपॉन पी बच जाएगा प्लस आर डी वी अपॉन वी बच जाएगा। नाउ अब इन सी वी वाली टर्म्स को अलग अलग रख लो, इसको नोट करो पहले, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज की ओर। हमारा यहां से डीएस कितना आ गया था, देखो हमारा डीएस आ गया था दैट इज सी वी डी वी वी प्लस अपॉन वी प्लस सी वी डी पी अपॉन पी प्लस आर डी वी अपॉन वी आ गया था। अब देखो यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होगी, पहली हमारी ये टर्म और दूसरी हमारी ये वाली टर्म। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इन दोनों टर्म में से एक चीज कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, वो डी वी अपॉन वी कॉमन आ रहा है, और तुम्हारा बच क्या आ रहा है, सी पी सी वी प्लस आर बच रहा है, सी वी प्लस आर बच रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एस इक्वल टू सी वी प्लस आर, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, डी वी अपॉन वी हमारा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ, सी वी डीपी अपॉन पी। राइट, अब देखो आपने आइडियल गैस इक्वेशन से आपने ये पढ़ा होगा कि सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर होता है। अब आप मेरे काम कीजिए, मैंने ये रिलेशन आपको हीट कैपेसिटी वाले लेक्चर में आपको बता रखा है, अगर आपको आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद वो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ये रिलेशन कहाँ से आया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीपी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, आर प्लस सी वी, तो पुट द वैल्यू ऑफ सी सीपी सीपी हमारा ये है सी वी प्लस आर, सी वी प्लस आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, सीपी रख सकता हूँ, तो हमारा डीएस यहाँ पे कितना बन जाएगा, सीपी प्लस सी वी डीपी अपॉन पी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट्स, आप लिमिट्स अपने आप रख सकते हैं, मैं आपको सीधा इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ, हमारा चेंज इन एंट्रोपी हमारा कितना आएगा, सीपी एल एन वी टू अपॉन वी वन प्लस सी वी एल एन पी टू अपॉन पी वन आ जाएगा। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक और रिलेशन निकाल कर देता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, गुड।
नहीं तो सबसे बढ़िया काम जो होता है डेरिवेशन को ध्यान में रखेगा कि हमने किस तरह से इनकी डेरिवेशन करी है। कई बार क्या होता है हमारे फॉर्मूले इतने सारे हो जाते हैं हमारे साइंस के अंदर फिजिक्स के अंदर, हम लोग हर एक फॉर्मूले को नहीं याद रख पाते। तो आप क्या करना, आप सीधा डेरिवेशन किस तरह से हमने निकाली वो बस ध्यान में रखना, उसको समझ लेना। दो तीन बार अपने आप खुद निकाल के देखोगे ना तो आपको डेरिवेशन याद ही हो जाएगी पूरी की पूरी, आपको फिर फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या निकाला था। मैंने निकाला था इस वीडियो को, ये हम निकाल चुके थे, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम निकाला था ना मैं अभी भी। ठीक है, अब मैं इसी को यूज कर अब देखो मैं क्या करता हूं। इसको हमारा क्या आया था, डेट इज डेल्टा एस, या मैं देखो डीएस, डेल्टा एस ही लिख लो। डेल्टा एस हमारा कितना आया था, सीवी सीवी एल एन T2 अपॉन T1, राइट। सीवी एल एन P2 अपॉन P1 कैसे आ गया, यानी T2 अपॉन T1 आएगा, P2 अपॉन P1 कैसे आ गया। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूले में गलती हो गई थी, यहाँ पे T2 अपॉन T1 रख लो। कैसे आया देखो ना, इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो आपका यहाँ पे कितना निकल कर आया, डेट इज डेल्टा एस सी वी एल एन T2 अपॉन T1 निकल कर आ जाएगा। मैंने गलती से वहां पे P2 अपॉन P1 लिख दिया था, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, V2 अपॉन V1 निकल कर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, देखो किस तरह से। ये हमारा आ गया था प्लस आर, यहाँ पे कितना आया था एल एन, कितना आया था वी टू अपॉन वी बनाया था। अब मैं क्या करता हूँ, हमने आइडियल गैस इक्वेशन के अभी पढ़ा कि पी वी इसका आर टी होता है, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वी अपॉन आर पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू आर, और आर हमारा क्या होता है, दैट इज कॉन्स्टेंट। दिस इंप्लाइज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पी वी अपॉन टी इज विल बी अ कॉन्स्टेंट, राइट। तो पी वी अपॉन टी अगर हमारा कॉन्स्टेंट है तो मैं ये यहाँ से लिख सकता हूँ P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, राइट। अब हम यहां से क्या कीजिए, P1 V1 अपॉन सॉरी V1 अपॉन V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या कीजिए, V2 अपॉन V1 की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज P1 T1 सॉरी P1 T2 अपॉन P2 T1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज V2 अपॉन V1 आ जाएगा। अब पुट द वैल्यू V2 बाय V1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ लिखा है इसमें आप पुट कर दीजिए, तो हमारा कितना आएगा, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल सी डेल सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस आर एल एन V2 अपॉन V1। अब V2 अपॉन V1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, इक्वल टू P1 T2 आई थी ना, या राइट, P1 T2 अपॉन P2 T1 कितनी आई थी, P2 T1। अब पुट करो इसको इसमें, तो हमारा डेल्टा एस हमारा यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, सीवी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस आर एल एन, यहां से हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज P1 T2 अपॉन P2 T1, ये निकल कर हमारा यहां से आ चुका। ठीक है, अब आपको समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, हमारे लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि एल एन ए इंटू बी जो होता है ना उसको हम लिख सकते हैं कि एल एन ए प्लस एल एन बी, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यही यही प्रॉपर्टी का हम यूज यहाँ पर करेंगे तो हमारे यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एल सी वी एल एन T2 अपॉन T1, और यहाँ पर कितना आएगा देखो कैसे लिखता हूं मैं, यह आ जाएगा देखो हमने अभी क्या लिखा, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस आर एल एन P2 अपॉन P1 प्लस आर एल एन T2 अपॉन T1। अब यहां पर इन दो टर्म्स को देखो, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में आपको एक चीज कॉमन लगेगी, वो क्या है, एल एन T2 अपॉन T1 जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो हमारा कितना आएगा, सी वी प्लस आर
ln टी टू अपॉन टी वन प्लस क्या बचेगा हमारा आर ln पी टू अपॉन पी वन बचेगा। और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं सीपी। अभी हमने पढ़ा सीपी की वैल्यू कितनी होती है सीवी प्लस आर, तो सीपी ln टी टू अपॉन टी वन प्लस आर ln पी टू अपॉन पी वन। तो यही जो फॉर्मूला है ना, यही जो फॉर्मूला है ये आपका किसके बीच में रिलेशन निकालता है, दैट विल बी रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। दिस फॉर्मूला विल गिव यू द रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंट्रोपी, से हम फाइंड कर सकते हैं व्हेन एवर वी हैव गिवन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन फॉर द टू डिफरेंट स्टेट्स। अगर हमें ये कहा जाए कि हमारा एक सिस्टम है जो पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वो पहले किस पे था, प्रेशर पी वन पे था और टेम्परेचर टी वन पे था, और हमने उसमें बहुत सारी प्रोसेस की और फाइनल जो हमारा स्टेट आया, मान लेते हैं कि वो किस पे आया था, पी टू और टी टू पे आया था, और एग्जामिनर हमसे पूछ लेता कि हमें बताओ डेल्टा एस, बताओ डेल्टा एस कितना होगा इस प्रोसेस के अंदर। तो आप यहां से सिंपल सा निकाल सकते हैं कि सीपी इंटू टी टू अपॉन टी वन मीन सीपी एलएन टी टू अपॉन टी वन प्लस आर एलएन पी टू अपॉन पी वन। यहां से आपका फॉर्मूला सिंपल सिंपल, अब दो लाइन का आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है, आपको वहां पर ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब एक छोटा सा बात बताओ मुझे, आपको क्या बताओ, एक छोटी सी बात बताओ मुझे, आपने मैंने आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखने को कहा था पिछली वीडियो में, आपने शायद याद रखी भी होगी, तो बताओ पहली वो वीडियो पहली बात क्या थी। मैंने आपको बताया था कि आपको दो बातें उसमें याद रखनी है, पहली बात तो ये थी कि डेल्टा एस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस कितना होता है हमारा, जीरो होता है, और दूसरी बात हमारी क्या थी वो बताओ। यहां से तो हमें पता चल गया कि डेल्टा एस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस दैट विल बी जीरो एंड डेल्टा एस फॉर किसके लिए, चेंज इन एंट्रोपी फॉर, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सराउंड यूनिवर्स कितनी होगी, क्या आप बता सकते हो। खैर मैंने आपको उस वीडियो में ये नहीं बताया था कि डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स कितना होता, मैंने आपसे वो बताया था कि डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल कितना होता है, रिवर्सिबल हमारा होता है जीरो और डेल्टा एस एडियाबेटिक क्या होता है हमारा जीरो, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि डेल्टा एस यूनिवर्स हमारा क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारे यूनिवर्स में लगातार जो है रेंडमनेस बढ़ती जा रही है, हमारा यूनिवर्स जो है फैल रहा है, हमारा जो यूनिवर्स है लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मीन्स अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है, मीन्स जो हमारी जो गैसेज है ना वो बढ़ा रही है, मीन्स सॉलिड लिक्विड जो है लगातार गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या हमारी एनर्जी बहुत बन रही है जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इसका मीनिंग यही है। अब देखो हमारे जो स्टार्स होते हैं जैसे सन हो गया, या जो लाइट प्रोवाइड करते हैं, सन से हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है, और बाकी जो स्टार है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं सन के अंदर, जो हमारा वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन का फ्यूजन मींस छोटे छोटे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से भी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हमें लाइट पहुंच पाती है, राइट, पूरे सोलर सिस्टम को सन से ही लाइट मिलती है। और बहुत सारे स्टार्स ऐसे भी हैं जिसे हमें रात को हम देखते हैं, जैसे स्टार्स होते हैं चमकते रहते हैं, तो वहां वो भी तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ही करते हैं ना, राइट। तो जब वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्यों करते हैं, क्या उनमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हमने तो कभी सन को एनर्जी नहीं दी कि हमने उसमें घोसे जला दिए, या फिर हमने लकड़ियां नहीं दी हमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कर दू, या हमने उसको फ्रिज, या फिर हमने उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई कर रखा कि भाई तू हमारे हमसे हम आपको बिजली देंगे आप हमें लाइट दो, हमने तो ऐसा नहीं किया ना, अपने आप ही हो रही है, अपने आप क्यों हो रही है, क्योंकि वो इसकी वजह से हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, वो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है ना वो ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, देखो अगर हमारी कोई भी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स वो अपने आप हो रही है, आइस अगर पानी में पिघल रहा है हम तो नहीं कर रहे हैं, हम उसको गर्म तो नहीं कर रहे ना, वो अपने आप ही पिघल रहा है, पड़े पड़े अपने आप पिघल रहा है, राइट, हमने तो उस पर कोई वर्क नहीं, हमने क्या किया फ्रीजर से आइस निकाली बाहर रख दी और अपने आप पिघल गई, ठीक है। असली कारण ये नहीं होता कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है अंदर फ्रीजर का कम है, तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली में, एक्चुअली में क्या होता है कि जो
आइस की जो एंट्रोपी होती है ना वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। आइस अगर मेल्ट कर रहा है वो वाटर के अंदर, तो ड्यू टू दिस एंट्रोपी वो कर रहा है मेल्ट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती है, मीन जो अपने आप होती है नेचर के अंदर, नेचुरल प्रोसेसेस जो होती है, उन सबकी एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। उन सब की एंट्रोपी जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ताकि क्योंकि आइस जो है वो पिघल कर वो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड की एंट्रोपी क्या होती है, ग्रेटर होती है, मींस उसके अंदर रैंडमनेस इंक्रीज होती है। नेचुरल प्रोसेस ऑलवेज फेवर्स इंक्रीज इन एंट्रोपी, नॉट डिक्रीज। अगर किसी रिएक्शन में हमारी जो एंट्रोपी है फाइनल प्रोडक्ट में डिक्रीज हो रही है, तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी खुद, ताकि वो रिएक्शन फिजिबल हो। बट नेचर में ऐसी कोई भी प्रोसेस है, ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर डेल्टा एस हमारा जीरो हो रहा है, वो अपने आप फेवर हो रही है, नहीं। अगर हमारा सन जो है वो लाइट बना रहा है, वो इसी की वजह से बना रहा है, क्योंकि उसकी जो एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन जीरो है। हमारी जो एनर्जी है ना तभी बन पा रही है, ठीक है, ओके। अगर जब सन जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो अर्थ पर आकर एब्जॉर्ब कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। और वो क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में अभी नहीं पहुंचा है। देखो हमने कोई भी, हमने फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी, कोई भी दो बॉडी जब तक हमारे कांटेक्ट में रहेगी, कब तक कांटेक्ट में रहेगी, जब कब तक उसमें हीट का ट्रांसफर होगा, जब तक वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, राइट। कब तक रहेंगी वो बॉडी आपस में थर्मल, जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते तब तक उनका हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। ऐसे ही जब वो जो हमारा सन होता है वो लाइट रेस को बाहर, लाइट रेस हीट रेस को क्या होता है, निकालता है, मीन्स हीट जनरेट करता है, और वो हीट लाइट की फॉर्म में हमारे अर्थ पर आती है या फिर बाकी प्लैनेट्स जो अंतरिक्ष में है उन पर गिरती है। और वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट रेस को एब्जॉर्ब करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है, मीन्स वो आप सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसलिए वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट। दिस मीन्स अगर आप एक बात सुनो, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, मान लो ठीक है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर वो हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा कोई भी चीज, तो क्या सन हीट को क्यों बनाएगा, ठीक है। क्योंकि सन, देखो बॉडी जो है सराउंडिंग की अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और ठीक है, अगर वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग है वो भी तो एक कनेक्शन है ना, सन और सराउंडिंग के बीच में एक कनेक्शन है। देखो हमने जेरो थला में क्या पढ़ा था, बॉडी जो है किसकी इक्विलिब्रियम में, सराउंडिंग की, और सन फिर बाद में इक्विलिब्रियम में हो जाएगा किसके, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा सराउंडिंग के। अगर वो सन थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया सराउंडिंग के, तो वो हीट देना ही, हीट जनरेट करना ही बंद कर देगा ना, समझ रहे हो मेरी बात को। देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, एक बॉडी है वो सन की हीट रेस जो उस पर आ रही है वो क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं मीन्स वो थर्मल इक्विलिब्रियम में अभी नहीं आया। अब हम एक ऐसा केस कंसीडर करते हैं जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है सराउंडिंग, जब सारे हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सारी पूरे का पूरा सोलर सिस्टम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो सारे सारे थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं सिस्टम के, तो वो क्या होगा, हीट रेस को एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगे। मींस जो सन है फिर उसकी भी तो एंट्रोपी हमारे जीरो हो जाएगी, क्योंकि और तो कोई एब्जॉर्ब कर नहीं रहा, मीन्स बाकी सब सोलर सिस्टम की जो हीट, सराउंडिंग की हीट जो है जीरो हो जाती है, ठीक है, एंट्रोपी जो है जीरो हो गई अगर दोनों की, तो सन की जो एंट्रोपी है वो भी तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। अगर सन की एंट्रोपी ही जीरो हो गई तो वो हीट रेस जनरेट करना ही बंद कर देगा। अगर हीट रेस जनरेट करना ही बंद कर देगा तो क्या हम पर ही लाइट पहुंच पाएगी, नहीं, और हम डेथ हो जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि सन के बिना हमारी जो जीविका है वो नहीं चल जाती। जिस और इसी टर्म को, यही जो टर्म है इसी टर्म को हम कहते हैं क्या, हीट डेथ। बिकॉज हमारा पूरा के पूरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है और सन जो है हीट एनर्जी को जनरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी जो डेथ है वो हो जाएगी। और इसी जो कहते हैं, इसी सिस्टम मीन्स इसी प्रोसेस को हमें हीट डेथ का नाम देते हैं, ठीक है।
तो देखते हैं अब हम जो आगे करेंगे वो एक छोटा सा पार्ट रह गया है। ठीक है, देखो वो देखो आप मान लेते हैं। देखो अब आप हम क्या लेकर चलते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, कोई भी कंटेनर है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ कंटेनर, और ये बिल्कुल आइसोलेटेड है। किससे? सराउंडिंग से आइसोलेटेड है ये, ना तो इसके अंदर कोई कांटेक्ट है डायरेक्ट, ना ही इनके अंदर कोई हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सराउंडिंग, या ट्रांसफर नहीं हो रहा, ना तो ये एब्जॉर्ब कर रहे ठीक है हीट को फ्रॉम सराउंडिंग, ना ही ये हीट का ट्रांसफर कर रहे टू सराउंडिंग। तो ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। दिस इज अवर आइसोलेटेड सिस्टम, और यहां पर हमारी क्या है, गैस ए है। यहाँ पे हमारी क्या है, ए गैस है, दिस इज अवर ए गैस। और ये जो है ना, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइन बना रखी है मेरे बीच में, ये है हमारा पार्टीशन, पार्टीशन है। और ये क्या है, रिजिड है, रिजिड पार्टीशन ठीक है। इट कैन मूव, और ये मूव कर सकता है। और यहां पर हमने क्या ले ली, एक और टाइप की गैस है, सेम टाइप की, मान लो हमने क्या ले ली गैस, इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं वी वन है, इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं वी टू है, इसका प्रेशर मान लेते हैं पी वन है, इसका प्रेशर मान लेते हैं पी टू है। इस गैस की जो यहाँ पर हमने इस साइड में रखी है ए साइड में, उसका जो मान लेते हैं इंटरनल एनर्जी है वह यू वन है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है हमारे यू टू है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारे जो यू वन प्लस यू टू जो क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। मीन्स ये तो सिस्टम से आइसोलेटेड है ना ठीक है, और ना ये गैस ना तो इसके अंदर जा पा रही, ना ये गैस इसके अंदर जा पा रही, तो दोनों की इंटरनल एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वी वन प्लस वी टू कितना होगा, ये पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, और पूरे कंटेनर का वॉल्यूम क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है ठीक है, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, मीन्स इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू को पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, मीन्स डिफरेंशिएट ही कर दूं टोटली, तो हमारा क्या आएगा, मीन्स डी यू वन प्लस डी यू टू इज इक्वल टू जीरो एंड डी वी वन प्लस डी वी टू इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने करवाया था, मीन्स पिछले लेक्चर में नहीं, मैंने एक दो लेक्चर्स को आप ध्यान देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमारा क्या था, प्रेशर में चेंज आया, जब मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद, तो उसमें हमें इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही था। हमने क्या किया था, हमने दोनों साइड के प्रेशर को क्या किया था, इक्वल किया था, तभी हमारा वो न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ था। अब जब तक ये मूव करता रहेगा तब तक हम, इसका मतलब क्या है, हमारा प्रेशर जो है दोनों साइड में इक्वल नहीं है, बट क्या दोनों के इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगा, नहीं। मीन्स जितना चेंज अगर हमारे यू वन में आ रहा है, मीन्स ए गैस की इंटरनल एनर्जी में आ रहा है, उतना ही चेंज अपोजिट एंड इक्वल चेंज वो हमारा किस में आएगा, सेकेंड गैस की इंटरनल एनर्जी में आएगा, वो यहां से शो हो रहा है ठीक है। और यहाँ पे भी भैया जितना चेंज हमारे वी वन मीन्स ए गैस की वॉल्यूम में आएगा, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चेंज हमारे बी वो गैस की वॉल्यूम में भी तो आएगा ना। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं, अगर मैं डी एस वन निकालू, मैं क्या निकालू, डी एस वन निकालू तो मेरा कितना आ जाएगा, दैट विल बी हमारा कितना आएगा, दैट इज डी यू वन, अभी मैं टी वन भी ले रहा हूँ, टी वन डी एस वन निकालू तो मैं यहाँ पे कितना आएगा, डी यू वन प्लस पी इंटू डी वी टू राइट ओके। ऐसे यहाँ पे मैं क्या निकालू, टी टू निकालू और डी एस टू निकालू तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज डी यू टू प्लस डी इंटू यहाँ पे वी वन आएगा ठीक है, डी वी टू ये आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ तो टेम्परेचर को दूसरी साइड ले जाता हूँ तो मेरा टोटल क्या बन जाएगा, दैट इज डी एस वन विल बी इक्वल टू डी यू वन अपॉन टी वन प्लस पी वन अपॉन टी वन डी वी वन राइट, ये समझ में आ गया। ऐसे मैं डी एस टू को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूं कि डी यू टू अपॉन टी टू प्लस पी टू अपॉन टी टू डी वी टू। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो बढ़ते हैं हम अगले पेज पे। अगर हम इन दोनों को डिफरेंस, मतलब डिफरेंस करें, इन दोनों का डिफरेंस ले,
आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज डी एस टू माइनस डी एस वन, ठीक है, डी एस टू माइनस डी एस वन, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी यू वन डी यू टू अपॉन टी टू माइनस डी यू वन अपॉन टी वन, ये लिख सकता हूं, प्लस यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पी वन अपॉन टी पी टू अपॉन टी टू माइनस पी वन अपॉन टी वन, यहां पे क्या आएगा, डी वी टू आएगा और यहां पे डी वी वन आएगा, ठीक है। अभी अपने देखा कि जब मैं ये आया, देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोबारा देखो, यहां से मैं क्या ड्राइव लिख सकता हूँ कि हमारा डी यू वन आएगा, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट विल बी इक्वल टू, मोड निकालो अगर मैं इनका तो दोनों का इक्वल आएगा, राइट। ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी वन मोड विल बी इक्वल टू मोड ऑफ डी वी टू, यहाँ पे आपको मेरी वीडियो से दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, क्या लिखा मैंने, डी यू वन का मोड इक्वल टू डी यू टू का मोड के इक्वल आएगा, और डी वी वन का मोड विल बी इक्वल टू डी यू टू का मोड डी वी टू का मोड, ठीक है। इनको मैं यहां रखता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा, और देखो कुछ समय बाद ये क्या होगा, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, बिकॉज जो भी हीट का ट्रांसफर होना वो हो जाएगा, कुछ समय बाद ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में दोनों गैसेस, और आफ्टर सम टाइम ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो मैं क्या देख सकता हूँ, उस टाइम पे हमारे जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, डेल्टा वन बाई टी टू माइनस वन बाई टी वन डी यू टू प्लस डी यू लिख देता हूँ, डी यू टू लिख लो जाएगा एक ही बात है, क्योंकि दोनों का जो मोड है वो इक्वल हो जाएगा। यहां से मैं क्या लिखता हूँ, पी टू अपॉन टी टू माइनस पी पी वन अपॉन टी वन डी वी टू लिख देता हूँ। अब देखो अगर ये वाला जीरो है तो हमारा ये वाली टर्म भी हमारी जीरो होगी और ये वाली टर्म भी हमारी जीरो होगी, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, इस टर्म को जीरो होने का मतलब क्या है, मीन्स टी टू इज इक्वल टू टी वन, मैंने क्या कहा था, जब हमारी एंट्रोपी जीरो हो जाएगी एट थर्मल इक्विलिब्रियम, तो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कब आता है, जब टेम्परेचर दोनों का गैस का इक्वल हो जाता है, राइट। तो ये कंडीशन हमारी यहां से आ जाती है, अगर हमारी एंट्रोपी जीरो हो गई दिस मीन्स टेम्परेचर ऑफ बोथ द गैसेस विल बी इक्वल, राइट। और अगर यहां से मेरा क्या निकल कर, जब मैं इस टर्म को जीरो रख देता हूँ, मीन्स पी टू विल बी इक्वल टू पी वन, और मैंने ये भी कहा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर आप डेफिनेशन देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है कि फॉर एन इनफाइनाइट टाइम अगर हमारा सिस्टम की ना तो प्रेशर में चेंज आए, ना ही वॉल्यूम में चेंज आए, ना ही उसके टेम्परेचर में चेंज आए, तो वो सिस्टम कहलाएगा हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएंगी दोनों गैसेस, ना तो इनकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, मीन्स ना तो इनका दोनों प्रेशर हो जाएगा ना, इन दोनों का प्रेशर हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा उसके बाद इन दोनों की वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, हालांकि इन दोनों की वॉल्यूम इक्वल नहीं होगी बिकॉज ड्यू टू द प्रेशर प्रेशर, ठीक है, लेकिन बाद में इनकी चेंज नहीं होगी जब जब हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। हमने यहां तक सारी चीजें कब डिस्कवर कर ली जितनी भी एंट्रोपी से रिलेटेड थी, ठीक है। तो आज की वीडियो का हम यहीं समापन करते हैं, और एंट्रोपी के तीनों पार्ट हमारे यहाँ, तो कल मिलते हैं गाइस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।